अभी हमें पता चला टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर हम तो ले ही नहीं रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। क्या करें जी, हम सस्ती हो जाए, सामान सस्ती हो जाए सारी। अरे सरकार के हाथ में थोड़ा, ये तो भगवान के हाथ में। 1000 रुपए किलो खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं 2000 रुपए रोज की, तो टमाटर महंगा हो गया। इसमें मोदी क्या करेगा या योगी क्या करेगा? मोदी की कोई गलती नहीं है। मोदी काहे की गलती है? मोदी के खेत में कुछ असर पड़ रहा है पॉकेट पर? बहुत पड़ रहा है मैडम, बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है कि खाया भी नहीं जा रहा है, इतना असर पड़ रहा है। धीरे धीरे थाली से सारे व्यंजन गायब होते जा रहे हैं। थाली से तो क्या, घर से गायब हो रहे मैडम, इतनी महंगाई हो रही है। जिम्मेदार कौन है? सरकार है। उतने ही लोग आते हैं खरीदने? आते हैं, महंगा है तो कम लेते हैं। तो किसान को भी इतना कुछ नहीं मिल रहा है, ये बीच में ही सब कुछ हो रहा है, आप भी जानते हो। बिचौलियों का फायदा हो रहा है, यही हो रहा है। जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के पहाड़गंज के सब्जी मंडी में। सब्जियों का भाव जो आसमान छूता हुआ जा रहा है, और उसमें भी टमाटर जिसने आग लगा दी है मार्केट में। हम यहाँ पर आए लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या ये सब्जियों के भाव क्या हैं और किस प्रकार लोगों के बजट पर इसका असर पड़ रहा है। आप यहाँ पर टमाटर ही देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर फिलहाल सब्जियों में सिर्फ टमाटर है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लोग आ रहे हैं, अभी लोग टमाटर खरीदने आ रहे हैं, रेट क्या चल रहा है? 100 रुपए किलो आ रहे हैं। क्या किलो चल रहा है? 40 रुपए पाव, 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो। 110 रुपए किलो, अभी आप 200 रुपए किलो बेच रहे थे, अभी हमने देखा। हाँ तो बिक रहा है, जैसे जो आएगा वैसे बिकता है। तो बताइए ना, आ रहे हैं लोग खरीदने? खरीद रहे, सब खरीद रहे। कोई कमी आई है कि नहीं पहले से? कोई कमी नहीं है, दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है, भाव का कोई असर नहीं पड़ रहा है? कोई असर नहीं है। अच्छा, लोग बराबर खरीदने आ रहे हैं? खाने वाले खा रहे हैं। खाने वाले खा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ले रहे हैं लोग। 180 मीट खा रहे हैं, 1000 रुपए किलो। क्या महंगा मीट भी तो 1000 रुपए किलो खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं 2000 रुपए रोज की, तो टमाटर महंगा हो गया। इसमें मोदी क्या करेगा या योगी क्या करेगा? जब 10 रुपए किलो है तब कोई नहीं बोल रहा था, 5 रुपए किलो बिक रहा है। 10 रुपए किलो गोभी बिक रही थी, कोई नहीं बोल रहा था। अब मोदी हाय 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 हाय, मोदी के घर में उग रहा है ये। मोदी की कोई गलती नहीं है? मोदी काहे की गलती है? मोदी के खेत है क्या? जब 10 रुपए किलो बिक रहा था तब किसी ने बोला आगे यहाँ 10 रुपए किलो गोभी बिक रही, 10 रुपए किलो सब्जियां गाय को खिलाई जा रही हैं, तब कोई नहीं आगे बोला। अब मौसम खराब हो गया, इसमें मोदी क्या करेगा? तो मोदी को स्टोर करना चाहिए था, आम जन को तकलीफ हो रही है ना महंगाई, उसके बजट उसके पॉकेट पे असर पड़ रहा है। ये चावल है जो स्टोर करेगा वो? अगर स्टोर करना होता तो 5 रुपए किलो तब स्टोर कर लेता वो। सब्जी है ये, 2 दिन में खराब हो जाती है, खराब हो जाती है सब्जी, 2 दिन में सड़ जाती है बिल्कुल। फिर उसके बाद 10 रुपए किलो टमाटर महंगाई, कोई नहीं बोला। जब 10 रुपए किलो, 2 किलो आलू बिक रहे हैं, कोई नहीं बोला। अब महंगा हो गया तो महंगा हो गया, इसमें मोदी क्या करेगा? मोदी के अपने भगवान के ऊपर तो उतारेगा टमाटर या गोभी आलू। अच्छा, बाकी सारी दाल और भी कई सारी चीजें, मसाले महंगे हो गए। जीरा 800 रुपए किलो हो गया, बोलो क्या? गरीब आदमी मारा गया ना, तो आपको तकलीफ नहीं हो रहा? हमें क्यों नहीं तकलीफ होगा? तो अभी आप बोल रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं? तो खरीद रहे हैं बेटे, खराब हुई पड़ी। अब 50 रुपए 40 रुपए किलो आम बिक रहा है, जो किलो नहीं लेगा पाव लेगा, उन्हें लेना तो है ही। जो पाव किलो नहीं लेगा पाव लेगा, लेना तो टमाटर खाना तो है ही। तो वही तो बात है, आपके बजट पे असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, जो बेचारा 20,000 सेल नहीं दे रहा उसको तो बजट बहुत बढ़ रहा है उसको जी। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये मौसम खराब है। अभी मौसम 15 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर वैसी हो जाएगा। लेकिन जब सस्ता बिकता तब पब्लिक नहीं बोलती, तब कोई नहीं कहता। सस्ता बिकेगा तो पब्लिक खुश रहेगी ना? हाँ, तो सस्ता आएगा तो सस्ता बिकेगा, जब है ही नहीं तो क्या करेगा उसमें। अब जिस दिन ठेका बंद होता है उस दिन शराब बिकती ना 100 वाली 200 रुपए की। तो सरकार इसी के लिए तो लाया जाता है कि सब्जियां सस्ती हो जाए, सामान सस्ती हो जाए सारी। अरे सरकार के हाथ में थोड़ा, ये तो भगवान के हाथ में। सरकार इस पर चुनाव तो लड़ती है ना कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, तो महंगाई खत्म करेंगे वैसे की ये उसके गवर्नमेंट के हाथ में है ये। अरे भगवान के हाथ में है, कुदरत का कहर आ रहा है तो क्या करेगा उसमें? स्टोर हो ही नहीं सकती, कुदरत का कहर पड़ रहा है तो उसमें मोदी सब्जी स्टोर नहीं होती। ये लोग कहते हैं स्टोर कर ली, स्टोर क्या होगा? 2 दिन में सड़ जाती है सब्जी।
टमाटर है, गोभी है, दिल्ली को सुधार देंगे। क्या सुधार दिया केजरीवाल जी ने? सारे रोड बंद पड़े हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई बात नहीं, दारू के साथ दारू फ्री। अच्छा, रोड की हालत दिखा रहे हैं, अभी रोड खराब हो गया है। हम अभी महंगाई पे बात करेंगे, सब्जी पे बात करेंगे। सब्जी जो है बेकार है, ये आप लोग आते हो ना, जब सस्ती हो तब भी आना चाहिए कि देखो जी कोई ले ही नहीं रहा, 5 रुपए किलो बिक रहा, तब आप लोग नहीं आते। अच्छा, यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। यहाँ पे तमाम सब्जियाँ दिख रही है, नींबू वगैरह सब। भैया क्या हाल है यहाँ, क्या सब्जी बिक रहे हैं? लोग हमको मालूम नहीं, मैं आज गाँव से आया हूँ। अच्छा, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। किस और भी लोगों से बात कर, आप सब्जी खरीद कर आ रही हैं, सामान खरीद कर आ रही हैं, क्या कुछ असर पड़ रहा है पॉकेट पर? बहुत पड़ रहा है मैडम, बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है कि खाया भी नहीं जा रहा है, इतना असर पड़ रहा है। धीरे धीरे थाली से सारे व्यंजन गायब होते जा रहे हैं। थाली से तो क्या, घर से गायब हो रहे मैडम, इतनी महंगाई हो रही है। क्या क्या गायब हो गया? सब चीज़ गायब हो गया, राशन गायब हो गया, राशन भी कौन सा सस्ता है, राशन महंगा है, सब्जी महंगी है, टमाटर प्याज आलू महंगे हैं, क्या खाएगा इंसान? इतनी जितनी इंसान की पॉकेट में पैसे नहीं, उससे ज्यादा तो महंगाई हो रखी है। जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कैसे? अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, वो क्या करे? सरकार के हाथ में है मैडम, जब सरकार ही देखेगी आगे किसानों को तो सब होएगा, ऐसी बात नहीं है। सब क्या सरकार क्या देखे, कैसे? आप पूरी खुल के बताइए क्या कहना। मैडम मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को ड्यूटी जाना है, नहीं मैं पूरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और भी यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे तमाम तरह की सब्जियाँ दिख रही हैं, क्या कुछ असर पड़ रहा है सर? लोग आ रहे हैं महंगाई के बावजूद, महंगाई भी खा रहे हैं, महंगा भी खा, सस्ता भी खा रहे हैं लोग। जब कूड़ा का, जब सस्ता था तो कोई नहीं खा रहा था, अब कूड़े में फेंकना पड़ा। अभी ये मौसम की वजह से ऐसे महंगा हो गया है, बाढ़ आ गई इसी चक्कर में महंगा है। 30 रुपये इसी चक्कर में महंगा है, तो महंगा नहीं होता सस्ता ही रहता। ये 2 महीने बरसातों के होते हैं, सावन के, इसी दिनों में महंगा सौदा मिलता है, बाकी दारे दिन सस्ता सौदा मिलता है। 60 रुपये के नीचे सब्जी मिलती थी, अब तो जरा बारिश की वजह से थोड़ा महंगा हो गया सामान, तो सस्ता ही माल मिलता है। तो लोग आते होंगे तो बार्गेनिंग कराते हैं कि नहीं भैया सस्ता दे दो, बहुत महंगा हो गया है। वो तो लोग तो कहते ही ये हो गया वो हो गया, कहने से कुछ नहीं। जब सस्ता माल मिलता है, जब 10-10 जो 100-100 रुपये में थैला भर भर के ले जाते हैं घरों में, जब नहीं बोलते हैं, जब 100-100 रुपये में थैला भर भर के ले जाते हैं। अब तो सोच रहे भी इतने, अब इतने का हो रहा, अब सोचते हैं खरीदने से पहले, अब सोच रहे हैं खरीदने में, ये 2 महीने की बात बस है। 2 महीने का अभी सस्ता हो जाएगा माल। साफ तौर पर लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है, जहाँ आपने सुना कि कैसे लोग खरीदने से पहले सोच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि आजकल मसाले भी आसमान को छू रहे हैं। क्या कुछ असर दिख रहा है? लोग आ रहे हैं खरीदने? आ रहे हैं उतना ही खरीदते हैं पहले जैसे कि कमी आई है? पहले जैसे खरीदने नहीं आ रहे, पहले जैसे नहीं खरीदते। खरीदने से पहले आप सोचते हैं कि कितना लें कितना ना लें? होता है, बार्गेनिंग भी कराते हैं कि सस्ता दे दो भैया बहुत महंगा हो गया है, करवाते हैं। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ है इनका कहना। यहाँ पर तमाम तरह की आप सब्जियाँ देख पा रहे होंगे और दुकानें देख रहे होंगे जहाँ पर तमाम तरह की सब्जियाँ बिक रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। यहाँ पर एक खरीदार दिख रही है, आप सब्जियां खरीद रही हैं, क्या कुछ असर पड़ रहा है आपके बजट पर? अरे अब बजट तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, कुछ टमाटर तो इतने महंगे हैं, नींबू भी इतने महंगे, हर चीज़ इतनी महंगी है। अभी हमें पता चला टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर हम तो ले ही नहीं रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या करें फिर, कुछ कैसे चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, अब कैसे कैसे तो करना है, चलना है, गुजारा तो करना है। जिम्मेदार कौन है इसका? अब जिम्मेदार तो मैं तो कहती हूँ इसके लिए तो जिम्मेदार सभी है, लोग भी है, सरकार भी है, ध्यान देना चाहिए लोगों को। तो देखो जो मतलब कि सरकार ये है, सरकार का तो ध्यान मतलब ये करना चाहिए, जो बीच में किसान, ये तो चीज़ अगर किसान को मिले ना तो मैं खुश हो जाऊँ। हाँ। चलो जो मेहनत करा है उससे तो मिल रहा है कम से कम, ये तो किसान को भी इतना कुछ नहीं मिल रहा है, ये बीच में ही सब कुछ हो रहा है, आप भी जानते हो बिचौलियों का फायदा हो रहा है, यही हो रहा है। सरकार और लोग जिम्मेदार कैसे? अभी बोल रही थी कि सरकार और लोग जिम्मेदार हैं, कैसे? क्योंकि सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए ना थोड़ा सा, किस बात पे ध्यान देना? महंगी हो रही है। हाँ। जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे जैसे लोग तो मतलब कि सोच के चलना पड़ रहा है कि इतना बजट ये हो रहा है खराब, इतने टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। हाँ। कैसे
गुजारा तो होना बहुत मुश्किल। घर से धीरे धीरे मसाले और सब्जियां कम होते जा रही हैं। बिल्कुल कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है। लोगों को भी थोड़ा सा इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए मैं लोगों को कह रही हूँ आप भी जिम्मेदार हो, सब मिलके आवाज़ उठाए तो कुछ तो हो जाए। क्या आवाज़ उठानी है, क्या थोड़ा कम करो, कुछ तो करो, सोचो तो सही, सबके लिए सोचे, सरकार भी सोच। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार सोच नहीं रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सरकार सोच रही है, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे लिस्ट टंगी हुई है कि तमाम तरह की सब्जियों और इसके सभी के लिस्ट टंगे हुए हैं। देसी टमाटर, आलू, छोटा मिर्च, टमाटर और इन सारी चीज़ों के लिस्ट टंगे हुए हैं कि भैया मोल भाव मत करो, चुपचाप देख लो और ख़रीदो और जाओ, क्योंकि अभी हम मोल भाव करने के मिजाज में नहीं है। क्या कुछ असर पड़ रहा है पॉकेट पर? जो पड़ रहा है क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही, लेना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। तो क्या मतलब लेने से पहले सोच रहे हैं कि नहीं एक किलो नहीं लेके आधे ही किलो ले ले, पाव भर ही ले ले? देखो कोई भी सोचता तो देखो हर कोई है। हाँ। चाहे आप हो चाहे हम हो। अच्छा जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार क्या सभी, अब देखो अब आगे से बढ़ के आएगा तो भी आगे से बढ़ के बढ़ा के देंगे, कोई जरूरी तो अपनी जेब से तो देंगे नहीं है। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? सरकार कहती है कि हम महंगाई पर ही सारी राजनीति होती है, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई खत्म कर देंगे, क्यों नहीं हो रही है? कोई भी आ जाए महंगाई खत्म नहीं होगी। क्यों क्यों खत्म नहीं हो रही? क्योंकि जो रेगुलर वगैरह चीजें हैं जैसे बरसात हो रही है, सब्जियाँ सड़ रही है, तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। अच्छा इनसे पूछेंगे, दुकानदार से पूछेंगे कि क्या कुछ असर पड़ रहा है, लोग कितना आ रहे हैं खरीदने और कैसे खरीद रहे हैं। जी भैया, कैसे लोगों का आना जाना कम हुआ है, खरीदारी पे असर पड़ रहा है? हाँ जी, खरीदारी पे असर पड़ रहा है लोगों के? नहीं, उतने ही लोग आते हैं खरीदने? आते हैं, महंगा है तो कम लेते हैं, थोड़ा कम लेते हैं। अच्छा, जैसे कि साफ तौर पर आप सुन पा रहे हैं कि लोग आते तो हैं क्योंकि ये खाने की चीज़ है, लोगों को खाना कैसे कम करेंगे, तो वही बात है, बजट के अनुसार देख के लेते हैं, जहां एक किलो लेना है वहां आधा किलो ही लेते हैं, पाव भर ही लेते हैं, अपने बजट के अनुसार ही ले पाते हैं जितना वो अफोर्ड कर पाते हैं और उसी के अनुसार वो ख़रीदते हैं। और जैसे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, टमाटर जैसे तमाम लोगों ने कहा कि अब लेना ही छोड़ दिया क्योंकि वो बजट में ही नहीं आ रहा है। तो ये है महंगाई का हाल, आप देख पा रहे थे, ये पहाड़गंज मंडी का हाल है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी।